हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फूड स्टैम्प प्रोग्राम के बारे में और उसके किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व होने की वजह से कैसे चेंजेस होते हैं रिगार्डिंग कंजम्पशन और अन्य सिर्फ ना कि फूड के ऊपर कंजम्पशन और भी अन्य प्रकार के जो गुड्स है अदर गुड्स के ऊपर भी कैसे डिफर करता है कंजम्पशन, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फूड स्टैम्प, ये सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक तरीके का ये एक इन काइंड सब्सिडी है जो फूड के माध्यम से दिया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल के लिए ही है ताकि वो लोग हमेशा अन्य अन्य प्रकार के या ज़्यादा प्रकार के जो फूड है उसको वो लोग अवेल कर सकें खुद से वो ताकि खा सके। सो फूड स्टैम्प का मेन डेफिनेशन ये है। अभी हम लोग ये इकोनॉमी कंसिडर करेंगे जहाँ पे गुड वन है फूड और गुड टू को फॉर सिंप्लिसिटी के लिए पकड़ा गया है ऑल अदर गुड्स। तो गुड वन को हम लोग एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑल अदर गुड्स को हम लोग वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसका चलिए थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। तो ये है एक्स एक्सिस मतलब फूड और ये है वाई। यहाँ पे हम लोग अदर गुड्स में मेनली हम लोग मनी को कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि मनी के द्वारा ही हम लोग जो दूसरे तरीके का जो फूड है वो सब हम लोग खुद से खरीद पाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड गुड है मेनली मनी। अब देखिए इनिशियल जो बजट लाइन है ये है V1 से स्टार्ट होके L1 तक और इसका पैरेलल शिफ्ट ऐसे आया ये L2, इसको Y कर देते हैं V2, इसका इनिशियल जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इन सबको मार्क करेंगे हम लोग। इसको चलिए यहाँ पे N1 बता देते हैं, ये हो गया N2, यहाँ से आया सपोज M, ये हो गया F1, ये हो गया F2। ये हमारा है आज के टॉपिक का फिगर वन, पहला फिगर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनिशियल जो बजट लाइन है वो है B1L1 और B1L1 के ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1 विच इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ IC1 एंड बजट लाइन। ये है कंडीशन जहाँ पे फूड स्टैम्प नहीं दिया गया है, फूड सब्सिडी नहीं दिया गया है, तब का ये है कंडीशन। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इनिशियल इक्विलिब्रियम है E1 और जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है N1 और F1 का, जैसे कि हम लोगों को डायग्राम से दिख ही रहा है। अब देखिए कि अगर ऐसे सिचुएशन में मान लिया जाए कि फूड स्टैम्प दिया जा रहा है, सपोज उसके पहले हम लोग एक एजम्पशन लेंगे कि ये जो गुड एक्स है इसका प्राइस है ₹10 पर केजी, ये है इसका प्राइस। तो अगर फूड स्टैम्प दिया जाए फूड स्टैम्प ऑफ ₹200, ये 200 है का अगर फूड स्टैम्प दिया जाए तो टोटल मिला के वो जो पुअर इंसान है वो तो फिर फूड स्टैम्प के चलते 20 kg खरीद पाएगा, ये अमाउंट ऑफ गुड वो खरीद पाएगा अगर उसको फूड स्टैम्प दिया जाए तो। अब देखिए
अगर फोर्स टाइम दिया जाए तो उसके वजह से उसका बजट लाइन में कैसे चेंजेस आएगा। अब बजट लाइन उसका इनिशियल इनकम तो है OB1, ये उसका इनिशियल इनकम हो गया, ये भी लिख लेते हैं इनिशियल इनकम, ये है OB1। तो OB1 इज हिज इनिशियल इनकम। अपने इनिशियल इनकम से कोई भी बढ़कर कोई कॉम्बिनेशन या कंजम्पशन नहीं करता है किसी भी गुड का, तो इसके ऊपर वो कभी भी नहीं जा पाएगा अंडर नो काइंड ऑफ सब्सिडी। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया कि फूड सब्सिडी का मतलब ही है कि वो सिर्फ और सिर्फ फूड जो है वही ज़्यादा खरीद पाएगा, ना कि अन्य पदार्थ। यहाँ पे हम लोग अदर गुड माप रहे हैं मगर वो नहीं कंज्यूम कर सकता, मतलब नहीं खरीद सकता। तो इसके वजह से वो अभी सिर्फ OB9 के चलते 10.C तक, मतलब उसका अगर बजट हम लोगों ने मान लिया क्या कि फूड स्टैम्प 200 रुपीज दिया गया है, तो उसके वजह से जो बजट लाइन है वो ऐसे B1 से C तक शिफ्ट हो गया। क्योंकि अभी उसको 200 रुपये के चलते वो 20 kgs ऑफ गुड एक्स ऐसे ही कंज्यूम कर रहा है। सो एक्चुअली दिस B1C रिप्रेजेंट्स 20 kg, जो ये 200 रुपये उसके अपने इनकम से या पॉकेट से नहीं देना पड़ रहा है। तो ये B1C हो गया, B1C आया फ्रॉम फूड स्टैम्प ऑफ ₹200। अब देखिए, अभी अगर वो इंसान सोचे कि मुझे फूड, अगर सिर्फ मुझे फूड ये M तक नहीं चाहिए, मुझे M पॉइंट से ज़्यादा मुझे फूड चाहिए, कंजम्पशन ऑफ एक्स मुझे M पॉइंट से ज़्यादा करना है, तो उसके सिर्फ एकमात्र उपाय है कि वो अपना जो इनकम है, करंट इनकम जो है उसके पास, तो OB1 तो है क्योंकि OB1 से तो कुछ भी नहीं गया, ये जितना खरीद रहा है अभी एट पॉइंट M दैट इज कम्प्लीटली फ्रॉम फूड सब्सिडी। तो अभी जो है उसका इनकम है, और अगर उसको ज़्यादा एक्स प्रोड्यूस करना है देन ही विल एलोकेट हिज इनकम इन अ लिटिल बिट डिफरेंट वे, सो दैट वो अपना कंजम्पशन जो है पॉइंट E2 में कर पाए। अब E2 पॉइंट है ऑन द लाइन वी कैन सी CL2, दैट इज वाई अंडर फूड स्टैम्प द बजट लाइन बिकम किंग्ड। सो वी हैव अ किंग्ड बजट लाइन दैट इज B1CL, B1CL ये है हमारा किंग्ड बजट लाइन। ओके, तो अब तक हम लोगों ने यही देखा कि अगर फूड स्टैम्प है तो बजट लाइन किंग हो गया। अभी देखिए, ये जो फूड स्टैम्प है ये एक पर्सन को दो तरीके से इफेक्ट कर सकता है, पॉजिटिव बता ही सकते हैं हम लोग। तो देखिए, अभी इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम हम लोगों को E2 में मिल चुका है, E2 में है, इसका मतलब क्या, एट पॉइंट E2 ही इज कंज्यूमिंग N2 एंड F2 एंड N2 इज ग्रेटर देन N1 एंड F2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन F1। इसका मतलब फूड सब्सिडी, जबकि ये बताया गया है कि फूड सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए है, नॉट फॉर द अदर गुड्स, मगर यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि चूंकि ये बजट लाइन किंग हो चुका है, उसके चलते उसका जो इंडिफरेंस कर्व है अभी वो यहाँ पे CL2 जो सेगमेंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट करने के चलते उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E2। E2 के वजह से वो अभी दोनों गुड कंज्यूम कर रहा है एट अ हायर क्वांटिटी। तो ये हो गया एक बहुत ही बड़ा फायदा कि फूड स्टैम्प इनडायरेक्टली जो प्रोवाइड करता है। अभी हम लोग ये भी बता सकते हैं कि ये जो फूड स्टैम्प है ये और कैश सब्सिडी जो है, अगर गवर्नमेंट एक इंसान को फूड सब्सिडी के बिना अगर उसको कैश पकड़ा दे
कि ये 200 रुपए आप कैश में ले लो, तो उसको हम लोग कहते हैं कैश सब्सिडी। अभी हम लोग दिखाएंगे कि ये जो फूड सब्सिडी है दिस इज एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट टू कैश सब्सिडी। तो देखिए कैश सब्सिडी जो अगर दिया जाए दैट विल बी ऑफ अमाउंट B1 एंड B2, ये हो गया कैश सब्सिडी। कैश सब्सिडी लेने की वजह से जो पर्सन है उसके हाथ में कैश या इनकम ज्यादा हो गया, तो उसके वजह से जो बजट लाइन B1 L1 था इट शिफ्ट्स राइटवर्ड टू B2 एंड L2। अभी B2 और L2 के वजह से जो ये IC2 है इट इज अगेन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E2 विच इज द सेम इंडिफरेंस कर्व जब उसको फूड स्टैम्प मिल रहा था। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं हेंस वी कैन से दैट फूड सब्सिडी या फूड स्टैम्प सब्सिडी इज इक्विवेलेंट टू कैश सब्सिडी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने आज सीखा कि फूड सब्सिडी कैसे कैश सब्सिडी के साथ इक्विवेलेंट हो सकता है। अब देखिए हमेशा कंज्यूमर जो है वो तो हमेशा फूड ही चाहिए, ऐसा तो कोई बात नहीं है, वो ही विल मतलब डिमांड करेगा कि मुझे और भी दूसरे तरीके का भी फूड चाहिए, गुड चाहिए, ताकि मैं दूसरी चीज़ें जो है वो भी खरीद पाऊँ। तो उसके वजह से वो हमेशा जो है आउटर पार्ट में रहना चाहेगा एंड वेयर ही कैन गेट अ कॉम्बिनेशन हायर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टाइप ऑफ कमोडिटीज इन द गुड मार्केट। अभी देखिए एक और चीज़ कि चाहे फूड सब्सिडी हो या कैश सब्सिडी हो, दोनों के चलते दोनों ही अगर हमारे पास है फूड सब्सिडी या कैश सब्सिडी, दोनों ही हम लोगों ने डिस्कस किया और वहाँ पे देखा कि अल्टीमेटली सभी लोग ये पॉइंट E2 में ही शिफ्ट कर रहे हैं एंड पॉइंट E2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों गुड हायर अमाउंट में कंज्यूम किया जा रहा है। इसका एक और कारण भी है क्योंकि ये जो दोनों टाइप ऑफ गुड है, एक तो आ गया फूड नॉर्मल फूड और एक हो गया अन्य गुड अदर्स गुड, तो ये दोनों को ही नॉर्मल पकड़ा गया है। और हम लोग को पता है नॉर्मल गुड के वजह से अगर इनकम बढ़ता है तो नेचुरली डिमांड फॉर द गुड आल्सो इंक्रीजेस। यही लॉजिक है कि मेनली बिकॉज ये जो फूड स्टैम्प इज इक्वल टू कैश सब्सिडी कैसे आया। अभी हम लोग एक दूसरे टाइप का सिचुएशन थोड़ा डिस्कस करते हैं जहाँ पे हम लोग ये दिखाएंगे कि कैश सब्सिडी कैसे फूड सब्सिडी के साथ इक्विवेलेंट हो सकता है। तो चलिए पहले हमारे पास सेम जो अजम्पशंस मैंने पहले डायग्राम में बताए वही है कि दो तरह के का गुड है, एक है गुड एक्स और एक है गुड वाई, जहाँ पे हम लोग इनकम भी ले सकते हैं। ये आ गया इनिशियल बजट लाइन, ये हो गया पैरेलल शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, यहाँ से आया हॉरिजॉन्टल लाइन, चलिए थोड़ा मार्क करते हैं, ये सी आ गया, ये तो L1 L2 और ये था इनिशियल कंजम्पशन E1। थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, CH एक पॉइंट है और ये एक IC है, तो ये हो गया IC1 IC2 IC3। ये सेम पोजीशन पे आ रहा है मगर हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये थोड़ा इधर आगे पीछे भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि पॉइंट सी और ई का जो अल्टीमेट कंजम्पशन है ऑफ गुड एक्स वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए थोड़ा डिफरेंट ही बनाते हैं, होते ठीक है, तो ये हो गया हमारा IC1, ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कंजम्पशन
तो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ खास डिफरेंस नहीं है फ्रॉम द प्रीवियस फिगर, जो हमारा फिगर टू। अब इसे हम लोग देख सकते हैं कि इनिशियल बजट लाइन तो B1L1 ही है और इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा E1, और यहाँ पे जो कंजम्पशन आना था वो हो रहा है, ठीक है। वो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज यहाँ पे हमारा पॉइंट कुछ और है एक्सप्लेन करने का। अच्छा, अब देखिए कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में उनको कैश सब्सिडी मिलता है, हियर ही इज गेटिंग फर्स्ट कैश सब्सिडी, तो कैश सब्सिडी ऑफ द अमाउंट B1 B2 अमाउंट में जो है उसको कैश सब्सिडी मिल रहा है। अब कैश सब्सिडी होने की वजह से द बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट्स आउटवर्ड, सो B2 एंड L2। अब B2 और L2 में हम लोग देख सकते हैं कि ये कंजम्पशन पॉइंट चल रहा है एट द पॉइंट वेयर IC3 इज इंटरसेक्टिंग द बजट लाइन B2 एंड L2 एट पॉइंट H। सो कैश सब्सिडी में इक्विलिब्रियम पॉइंट इज इक्वल टू H। अब देखिए ये जो पॉइंट H है, दिस इज हायर देन द इनिशियल इनकम, B1 से हायर पोजीशन में है पॉइंट H। अब ऐसा सिचुएशन फूड सब्सिडी में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फूड सब्सिडी सिर्फ फूड कंजम्पशन के लिए दिया जाता है, ना कि अन्य चीज़ों में। तो अगर इस सिचुएशन में फूड सब्सिडी दिया जाए तो फूड सब्सिडी विल बी ऑफ अमाउंट B1C एंड ये बाय कंस्ट्रक्शन B1 B2 इज इक्वल टू B1C। अगर फूड सब्सिडी दिया जाए तो इस अमाउंट में दिया जाएगा B1C, और B1C के चलते कभी भी ये कंजम्पशन IC3 में कंजम नहीं कर सकता बिकॉज उसका इनकम नहीं बढ़ा है, उसका सिर्फ सब्सिडी हुआ है ताकि वो फूड ज़्यादा खा सके, ज़्यादा कंज्यूम कर सके। तो इसके वजह से वो मैक्सिमम जो पॉइंट ही कैन गेट इज एट द कॉर्नर सोल्यूशन एट पॉइंट C, क्योंकि फूड सब्सिडी के चलते मैंने अभी बताया कि जो बजट लाइन है वो हो गया B1C L2, दिस इज नथिंग बट द किंग्स बजट लाइन। तो किंग बजट लाइन हो गया तो नेचुरली IC3 तो आउट ऑफ रीच है, मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे वो कंज्यूम कर सकता है इज एट पॉइंट C, क्योंकि पॉइंट सी एक ऐसा जगह है विच कैन हैव द हाइएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, हाइएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व दैट इज IC2। हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग IC2 ही है जहाँ पे वो अपना हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कंजम्पशन कर सकता है। तो दोनों ही कंपैरिजन में हम लोग पहले फूड सब्सिडी से कैश सब्सिडी में आए और अभी हम लोग कैश सब्सिडी से फूड सब्सिडी में आए, दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस इसमें स्पेशली डिफरेंस हम लोगों ने यही देखा कि अगर कैश दिया जाए तो जो इंडिविजुअल है उसके पास ज़्यादा लिबर्टी है, ज़्यादा आज़ादी है कि वो दूसरे चीज़ों में खर्च कर सके, इट हैज़ नो अपर लिमिट, वो दूसरे किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी तरीके से अपना जो कंजम्पशन है वो कर सकता है, मगर फूड सब्सिडी ये अलाउंस नहीं देता। एक और डिफरेंस बिटवीन फूड एंड कैश ये हो सकता है कि फूड सब्सिडी में हम लोगों ने देखा कि हमेशा फूड कंजम्पशन ज़्यादा होता है, चूँकि जो कैश सब्सिडी है, कैश सब्सिडी में ज़्यादा कभी भी फूड का कंजम्पशन नहीं होगा कंपेयर टू द फूड सब्सिडी। तो कैश सब्सिडी में फूड कंजम्पशन कम होता है और फूड सब्सिडी में फूड का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, एज द नेम सजेस्ट्स। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि
क्योंकि फूड सब्सिडी को बताया गया है कि तुम सिर्फ फूड का जो मात्रा है लोगों में यही बढ़ाया जाए, वो खर्च किसी और पदार्थ में नहीं किया जाए, मगर इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली ही फूड सब्सिडी के चलते हमेशा जो अन्य गुड्स है, अन्य प्रोडक्ट्स है, उनका कंजम्पशन हमेशा बढ़ता हुआ ही देखा गया है। तो इसीलिए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि फूड सब्सिडी को लागू तो किया जाए मगर उसके चलते दूसरे गुड का कंजम्पशन कभी ना बढ़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता हमारे समाज में। तो ये था ऑन वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन फूड स्टैम्प एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट हो, यू कैन ऑलवेज रीच अस। थैंक यू।